नमस्कार दोस्तों, रंजीत तंजोर आर्ट में आपका स्वागत है। और हमारी ये पेंटिंग बागेश्वर बालाजी की प्रगति पे है। अभी स्केच हो रहा है कि कहां हमको, मतलब सेम ये हमको पूरा एग्जैक्ट मिलाना है। तो पहले थोड़ा स्केच होने से गलती के चांसेस कम रहते हैं। तो ये जो पूरी डिजाइन है यहाँ पर पूरा स्केच कर रहे हैं, थोड़ा एक आसरा होने से पूरा एम्बोज जो करेंगे, एक एक चीज उठाएंगे तो गलती नहीं होगी, सेम बनेगी पेंटिंग। तो अभी ये पूरी डिजाइन बनेगी और उसके बाद इसमें एम्बोज होगा। ये सारी डिजाइन जो इसमें है, पहले ये कौन से हम एम्बोज करके जो मोटा मोटा उठाना है वो कर चुके हैं, अब बारीकी करना है। जो सेम इस तरह से जो डिजाइन होगी वो बनेगी। और जहाँ पे भी जो भी डिजाइन है ये मोटा मोटा उठा के और एक फिलिंग कर चुके हैं। अब जैसे नेकलेस हुआ, इनका कान के ये डिजाइन हो गई, या मुकुट का जो एरिया है, ये सारा स्केच हो रहा है, उसके बाद बनेगा। तो अभी जो पहले वीडियो में यहाँ से जो शेडिंग स्टार्ट हुई थी तो वो काफ़ी हो चुकी है, और अभी वैसे और भी बाकी रहती। तो ब्रश से ये शेडिंग हुई है गोल्ड के ऊपर। वही बागेश्वर बालाजी सरकार, ये भी हमने एमओ से ही लिखा है, उसके ऊपर गोल्ड लगाया है। और अभी भी काफी शेडिंग होती बाकी है। एक एक पत्ती को हमको और बारीकी से उठाना है, उसके बाद ही कलरिंग का काम चालू होगा। तो दोस्तों, दुनिया में पूरे पावरफुल जो भगवान है वो हनुमान जी हैं। जो कार्य कहीं भी सिद्ध नहीं होता है वो बालाजी की शरण में जाता है तो सिद्ध होता है। और बालाजी की शरण में जाने के बाद अगर बागेश्वर बालाजी की शरण में कोई जाता है तो उसके तो क्या कहना है। मंदिर तो बहुत सारे हैं हनुमान जी के, और सभी में बालाजी विराजमान हैं। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो गुरु जी बोलते हैं कि अगर हम बाहर धूप में हैं और पेड़ के नीचे अगर खड़े हैं हम, तो कुछ ठंडक होगी, कुछ छाया लगेगी। पर अगर हम पंखे के नीचे जाके बैठेंगे तो उसकी छाया, उसकी ठंडक थोड़ी ज़्यादा रहेगी। उसी तरह से कूलर के उसमें बैठेंगे हवा में तो वो ठंडक और बढ़ेगी। और फिर अगर एसी में बैठे तो गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। तो इसी तरह से जो सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है बागेश्वर धाम, जहाँ पर जो संत है तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद में जो भगवान को जो उनको वरदान देते हैं, सिद्धि देते हैं, तो वहाँ वो सिद्धि साथ में हो जाती है, तो जल्दी असर करती है। तो हाल ही में बागेश्वर धाम की महिमा बढ़ती जा रही है, और उनके भक्त जो सन्यासी बाबा है और दादा गुरु है, इन सब ने काफ़ी तपस्या की। उसके बाद वही आशीर्वाद हमारे धीरेन्द्र शास्त्री गुरु जी को दिया है, और उनकी ख्याति जगह जगह और देश विदेश में फैल रही है। यहाँ तक कि वो ब्रिटेन में, विदेशों में भी अपने झंडे गाड़ के आए हैं। जो लोग भूत प्रेत और भगवान को नहीं मानते थे, सनातन धर्म को नहीं मानते थे, हनुमान जी को नहीं मानते थे, आज वो मानने के लिए मजबूर हो गए।
क्योंकि हनुमान जी तो सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, पर जब भगवान ने आशीर्वाद दिया धीरेन्द्र शास्त्री जी को और गुरुदेव का भी आशीर्वाद रहा तो साक्षात चमत्कार उनके धाम में आ रहे हैं, हो रहे हैं। अगर वो गुरु जी कहते हैं कि अगर आप किसी डायरेक्ट मुलाकात नहीं भी हो तब भी सिर्फ भगवान को आके और सिर्फ ये बोलने की जरूरत है कि बालाजी आज से हम तुम्हारे और तुम हमारे, तो उसके बाद सिर्फ बालाजी को ही देखना है। तो मैंने भी मन में संकल्प लिया है कि बालाजी की पेंटिंग मेरे हाथ से बनवाए भैया बालाजी ही बनवा रहे हैं, गुरुदेव ही बनवा रहे हैं, और ये पेंटिंग मैं गुरुजी को समर्पित करना चाहता हूँ, बागेश्वर धाम में समर्पित करना चाहता हूँ। तो मैं पूरे मन से इस पेंटिंग को बना रहा हूँ गुरुजी के लिए कि उनके धाम में ये लगे, मेरी ऐसी कामना है। तो अभी थोड़ा काम रहता है इसमें, कम से कम अगर रेगुलर रात दिन काम करेंगे तब भी 4-5 दिन का काम रहता है। तो दोस्तों एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो हमारे अभी जो हिंदू जगह हैं और जो सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, आज उससे पहले क्या हो रहा था कि बच्चे को वेस्टर्न संस्कृति के बारे में ज्यादा बताया जा रहा था, पर अब ज्यादा रुझान युवाओं का भी सनातन धर्म के प्रति हो रहा है। और हर माँ बाप का कर्तव्य भी है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में बताएं। कई अगर शादी ब्याह हो, किसी को गिफ्ट देना हो तो भगवान की पेंटिंग गिफ्ट करें, भगवान के कोई ऐसे जो कहानी है या उनके किस्से है या उनकी महिमा है इस तरह कोई चीज बच्चों को भी दे या किसी को गिफ्ट करे, तो वो हमारा एक योगदान होगा सनातन धर्म को बढ़ाने में, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में, जिसमें योगेंद्र शास्त्री जी लग रहे हैं, योगी जी लग रहे हैं, मोदी जी लग रहे हैं, क्योंकि ये सत्य है कि सनातन धर्म हमारा शाश्वत है, सबसे पुराना है और सभी धर्म है। गुरु जी खुद कहते हैं कि ये मेन धर्म तो सनातन धर्म है, बाकी सारे पंथ है। तो सनातन धर्म को हमको बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा गुरुजी के भी हाथ मजबूत करने हैं, उनके साथ खड़ा होना है, जो भी हम योगदान दे सके। क्योंकि मुझे भगवान ने पेंटिंग के लिए चुना है तो मैं पेंटिंग के जरिए ये देश की सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि जिसको भी और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अगर पेंटिंग बनवाना हो तो मैं रीजनेबल रेट में बनाऊंगा, बिल्कुल कम से कम प्राइस में बनाऊंगा, मेरी जो मिनिमम मेहनत होगी वही लेऊंगा। बाकी आप मुझसे बागेश्वर धाम की पेंटिंग बनवाना चाहे, हनुमान जी की और मेहंदीपुर बालाजी की बनवाना चाहे, सालासर बालाजी की बनवाना चाहे, राम दरबार बनवाना चाहे, हर तरह की भगवान की पेंटिंग और हिंदू संस्कृति में जो भी भगवान है उन सब की पेंटिंग इनके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से बनाता हूँ। तो आपको कभी भी मुझसे पेंटिंग बनवानी हो तो मेरा नंबर है 9313322431। और दोस्तों ये मेरा व्यवसाय नहीं है, ये मेरी भक्ति भी है, ये मेरी आस्था भी है, और मैं इस पूरे दिलो जान से मैं इस आस्था में लगा हूँ। लगभग 35-36 साल हो गए मैं ये भगवान की पेंटिंग बना रहा हूँ, और जो भी भगवान की तरफ से जो होता है आदेश, जो ऑर्डर आता है, जो भी बनाने की आज्ञा होती है तो वो भगवान मुझसे बनवाते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो और अगर आपको मेरे से पेंटिंग बनवाना हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो दे दिया है। इसके अलावा अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि भाई इस तरह की पेंटिंग होती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, कम से कम बजट में और ज़्यादा और अच्छे से अच्छी पेंटिंग, ज़्यादा काम होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बजट होता है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हर जने को प्रयास करने की जरूरत है, एक अकेला नहीं कर पाएगा, हम सबको ये जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।